दोस्तों आज एक ऐसी फंगिसाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फंगिसाइड माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप के बारे में। तो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप आखिर क्यों इसको दुनिया का बेहतरीन फंगिसाइड माना जाता है और इसमें क्या टेक्निकल मिलता है कि इतना बढ़िया इसको माना जाता है और कौन कौन सी क्रॉप पर इसको स्प्रे कर सकते हैं ताकि अच्छा फायदा मिल सकता है और इसको स्प्रे करने से कौन कौन सी रोगों को कंट्रोल करता है, उसके अलावा इसको कब और कैसे और कितनी मात्रा में इसको स्प्रे करना है क्योंकि बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलने के लिए, क्या इसके साथ कोई दूसरे दवाई को हम लोग स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो पूरी जानकारी इस डिटेल्स में आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंजेंटा का एमिस्टर टॉप क्या है और इसमें क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक फंगिसाइड है और इसमें लंबे समय तक फसल पर रिजल्ट देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन पाया जाता है, यानी अगर पत्ते के ऊपरी भाग में स्प्रे करते हैं तो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव सिस्टमेटिक एंड क्यूरेटिव गुण भी पाया जाता है। अगर अब फसल में बीमारी लगने से पहले स्प्रे कर देते हैं तो उसको बीमारी लगने ही नहीं देता है फसल में, इसीलिए इसको प्रिवेंटिव बोला जाता है। और सिस्टमेटिक यानी फसल के अंदर जाके ये काम करता है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक भी बोला जाता है। तो इतना खास बात है तभी इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन फंगिसाइड माना जाता है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल यानी कंटेंट के बारे में। तो इसमें जो कंटेंट मिलता है एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और उसके साथ साथ डाइफेनकोनाजोल जो कि 11.4% एससी फॉर्म पे अवेलेबल मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन सी क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि इतना बढ़िया रिजल्ट अगर मिलता है तो इसको लगभग सभी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। अगर धान में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है और उसके साथ साथ अगर सब्जी बरी की फसल में अगर स्प्रे करते हैं तो भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है, यानी अगर इसको स्प्रे करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों को नियंत्रण करता है। तो सबसे पहले ये जैसे कि अगर धान में स्प्रे करते हैं तो सीड ब्लाइट को कंट्रोल करता है, ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, उसके अलावा जितने प्रकार की स्पॉट वगैरह लगता है सभी को कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ अगर वेजिटेबल यानी सब्जी बरी के फसल की अगर बात किया जाए तो जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, उसके अलावा स्टेम रॉट लगता है, रूट रॉट लगता है, यानी अगर जड़गणन लगता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। किसी भी तरीके की गलन सड़न, पत्ते में दाग धब्बा, सभी को कंट्रोल करने का क्षमता इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पर मेरा डायबैक बीमारी लग चुका है मिर्चा में, इसीलिए हम इसको स्प्रे करवा रहे हैं क्योंकि डायबैक के ऊपर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो दोस्तों ये एक एससी फॉर्म का दवा है क्योंकि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देना है तभी अच्छी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा पानी लेना है, फिर 15 लीटर के पंप में अच्छी तरीके से सेक करके दवाई को फिर माप लेना है किसी मापनी की मदद से। जैसे कि हमने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है, उसके 20 ml का साइज है और 20 ml यहाँ पर हमने एससी फॉर्म का दवा जो कि एमिस्टर को लिया है और उसके ऊपर डाल दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसके ऊपर एक लकड़ी की मदद से उसको हिला दे रहे हैं क्योंकि अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके ऊपर हल्का पानी मिला के पूरा भर दे के स्प्रे कर रहे हैं। और अगर आप लोग किसी भी फसल पे एक एकड़ के लिए स्प्रे करना चाहते हैं तो लगभग 200 ml ले लेना चाहिए और अच्छी तरीके से इसी सिस्टम से स्प्रे कर देना चाहिए तभी आप लोगों को बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और प्राइस की अगर बात किया जाए तो लगभग 100 ml का जो प्राइस होता है मार्केट में 450 से 500 रुपये के अंदर ही अवेलेबल मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों क्या इसके साथ टॉनिक या कीटनाशकों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंगल सिंगल स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप फंगिसाइड के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।